हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मट्ठी और वो भी मैदे से नहीं, आटे से बनाएंगे। इसको हेल्दी खाना बनाएंगे आज हम। इसके लिए मैंने 2 कटोरी ये वाली गेहूं का आटा है ये, जिसके अंदर मैं 1/4 कटोरी ये देसी घी डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हींग और ये अजवाइन है जिसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। आटा गूंदने के लिए मैंने उतना गर्म पानी किया जिससे जिसमें कि हाथ डल जाए, यानी कि लक वम वाटर है ये, बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी है। इसके साथ हम आटा लगाएंगे और आटा बिल्कुल सख्त, जैसे मट्ठी का आटा होता है वैसे लगाएंगे। अब हम सबसे पहले हम आटा लगाते हैं। सारी चीज़ों को इतने अच्छे से मिक्स करें, ये देखें कितनी अच्छी मुट्ठी हमारी बन गई है। इसका मतलब हमारी सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सख्त आटा लगाएंगे। मट्ठी का आटा बिल्कुल तैयार है, ये देखें मैंने बिल्कुल सख्त आटा गूंदा है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी, फिर इसके बाद इसकी मठियाँ बनाऊंगी। आटे ने रेस्ट कर लिए, अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा आटा करके निकाल लें, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, इसको ऐसे लंबा कर लें। अब इसके ये छोटी छोटी ऐसे निकाल लें पेड़े, लोइयाँ छोटी छोटी निकाल लें। बस अब इनको हम बेलते जाएंगे और यह फिर हम इनको सेकेंगे। इसके अंदर ये नाइफ की सहायता से छोटे छोटे ऐसे कर दें जिससे कि ये पूरी की तरह फूले नहीं। बस अब ऐसे थोड़ी बेल के रख लें और फिर इकट्ठी तल लेंगे। अब मैं इनको डीप फ्राई करूंगी और वो भी लो फ्लेम पर। इनको बिल्कुल पेशेंस के साथ तले तो ये बहुत अच्छी मठियां बनेंगी, कुरकुरी। मठियां लो फ्लेम पर धीरे धीरे सिक रही हैं, जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगी तब तक हम इसको सेकेंगे और फिर ये तैयार हो जाएंगे। मठियां बहुत अच्छे से सिक गई हैं, अब मैं इनको निकाल रही हूँ। मठियाँ सिक गई हैं, अब मैं बाकी की सारी मठियाँ भी ऐसी बना लूँगी। फाइनली हमारी खस्ता कुरकुरी मठियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और मम्मी पापा की रसोई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मम्मी पापा की रसोई में बेसन के सेव बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये वाला एक बाउल बेसन लिया जिसको अच्छे से छान दिया। छानने के बाद ये इसके खुले बर्तन में डाल दिया। अब इसका मैंने जिस भाग से आपने ये बेसन को नापा उसी भाग बाउल से आप तेल को नापे और 1/4 भाग उसका ले लें। ये हींग है जिसको मैंने पानी में गला के रख दिया था, जब हम आटा लगाएंगे तब इसमें डाल देंगे। और ये मसाले, नमक, मिर्च, अजवाइन आप अपने स्वाद अनुसार डाल दें। और ये वाले झारे में हम इसको बनाएंगे, पानी की सहायता से आटा लगाएंगे। अब बेसन के सेव बनाना शुरू करते हैं। अब मैं एक एक करके सारी चीजें इसके अंदर मिला दूंगी। आटे में
पानी मिलाने से पहले सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे हमारा मोइन बेसन के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आटा लगाएं। इसका आटा ना ज्यादा सख्त लगाएं और ना ज्यादा सॉफ्ट लगाएं, ऐसा लगाएं कि जैसे मतलब बिल्कुल ये ऐसे लचीलापन वाला, ऐसे आप इसको ऐसे करके देख लें, आप देखेंगे बिल्कुल हाथों से नहीं चिपक रहा, इसका मतलब आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर इसके सेव बनाएंगे। आटे ने बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया, अब हम इसके सेव बनाते हैं। थोड़ा सा ऐसे पानी का हाथ लगाएं और ऐसे इसको पेड़े को सिलेंड्रिकल शेप में बना लें और इस झारे में डाल दें। अब हम इसको गरम तेल में डालेंगे, डीप फ्राई करेंगे। बेसन के सेव बनकर तैयार है, ऐसे ही मैं सारे सेव तैयार करूंगी। क्रिस्पी कराड़े बेसन के सेव बनकर तैयार है। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आटे की पंजीरी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया, तो एक कटोरी ही घी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा घी डाल के इन मखानों को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले 50 ग्राम मखानों को थोड़े से घी में सेकेंगे। जब तक मखाने सिक रहे हैं, तब तक हम ये ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा हल्का दरदरा पीस के रख लेते हैं। मखाने सिक गए, हम इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। उसी कटोरी के घी में से थोड़ा सा घी डालें और फिर गोंद को सेक लेंगे। 20 ग्राम गोंद मैंने यूज की है। गोंद भी सिक गई है, इसको भी एक प्लेट में निकाल लें। में एक कटोरी आटा डाल दें और इसको सबसे पहले ड्राई रोस्ट करें। मखाने और गोंद भी ठंडे हो गए, इनको भी दरदरा पीस लेंगे। आटा ड्राई रोस्ट हो गया, अब इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे अभी और थोड़ा सा फिर बाद में डालेंगे। अब बाकी का कटोरी का बचा हुआ घी भी सारा डाल दें। सिकने पे आ गया ये खोपड़ा नारियल, जिसको मैंने किस दिया, अब इसको भी इसी में डाल देंगे। दरदरे पीसे मखाने और गोंद भी डाल दें। ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दिए हैं। सब चीजें बहुत अच्छे से सिक गई, अब गैस बंद कर दें, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें पीसी चीनी डालेंगे। मिश्रण छूने लायक हो गया, अब इसमें आधी कटोरी चीनी डाल दें, मिलाएं और पंजीरी तैयार है। आटे की शानदार पंजीरी बनकर तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चिड़वा नमकीन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पैन को गर्म किया, पोहों को अच्छे से छान दिया। सबसे पहले इसको लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे। पोहा की क्वांटिटी 250 ग्राम है, इसको लो फ्लेम पर 5-6 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करें। पोहा रोस्ट हो गए, इनको पैन में निकाल लूंगी। 2 टेबलस्पून तेल गर्म हो गया, सबसे पहले 50 ग्राम मूंगफली को रोस्ट करें। मूंगफली के दाने रोस्ट हो गए, इसमें कड़ी पत्ता भी सेक लें। अब थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल का गोला होता है ना, उसको भी छोटा छोटा काट के सेक लें। मसालों में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सौंठ पाउडर, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, काला नमक, हींग और ये अमचूर पाउडर। अब रोस्टेड पोहा भी डाल दें, इसमें स्वाद अनुसार पीसी हुई चीनी डालें। अब इसमें थोड़ा सा हम नमकीन का फ्लेवर देंगे। मैं सेमफली के बीजों का नमकीन डाल रही हूँ, आपके घर में जो भी हो आप उसे डाल दें। और थोड़ा सा मिक्स नमकीन भी डाल रही हूँ। अब गैस को कर दे बंद और अब हमारा चिड़वा नमकीन बनकर तैयार है। हेलो एंड वेलकम, आज हम मुरमरे की खीर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम मुरमरा और 250 ग्राम गुड़, दोनों की क्वांटिटी बराबर है, 2 चम्मच पानी डालकर सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे। गुड़ को ऐसे पानी में डालकर देख लें, जब ये गुड़ बिल्कुल ऐसे स्टेबल हो जाए और हाथ पे लेके ऐसे बिल्कुल गोला बन जाए हमारा लड्डू जैसे, तो आप समझे कि हमारा गुड़ तैयार है। अब मैं इसको इसमें मुरमरे में मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। मैंने खील को मुरमरे और गुड़ दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ग्रीस की ट्रे में बहुत अच्छे से सेट कर दिया। अब ये बनकर तैयार है।